Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper.

और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए फिर 2009 में भारत सरकार ने और इंडियन पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 2009 और इस कानून के हिसाब से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज़ मेड विजिटर ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विजिटर यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड है इसका मतलब है कि इट्स अ पोस्ट सुप्रीम पोस्ट ठीक है फॉर अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको जनरल वर्ड में जनरल तरीके से मत समझना तो विजिटर ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज़ पर दिस लॉ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 और देखो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक होते हैं चांसलर और एक होते हैं वाइस चांसलर चांसलर जो होते हैं दैट ही और सी इज़ नोन एज नामिनल हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी नॉमिनल हेड जैसे कैसे गवर्नमेंट अगर हम अपना देखें यूनियन गवर्नमेंट तो नॉमिनल हेड हैं प्रेसिडेंट यानी कि सुप्रीम डी जी ओर मतलब फॉर द नेम से नॉमिनल हेड इज द प्रेसिडेंट लेकिन रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव राइट तो वाइस चांसलर ठीक वैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर इज द नॉमिनल ऑल वाइस चांसलर इज द रियल हेड अब इस कानून के हिसाब से दो हजार नौ के इस कानून के हिसाब से प्रिंस प्रेसिडेंट वॉज मेड विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं प्रेसिडेंट एंड दिस विजिटर यानी कि द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट चांसलर एंड वाइस चांसलर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हमारे प्रेसिडेंट ही चांसलर और वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करेंगे तो एज ए सेड चांसलर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज आर टाइटुलर हेड मतलब नॉमिनल हेड आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज कैपेसिटी एज विजिटर तो सिंस प्रेसिडेंट इज विजिस्टर ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस कैपेसिटी में वो चांसलर और वाइस चांसलर को अपॉइंट करेंगे इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये तो बात हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है तो स्टेट यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज आर पार्सियली फंडेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्सियली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रेस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर होते हैं ही और सी होल्ड्स द पोस्ट ऑफ चांसलर जैसे हमारे जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगे हमारे स्टेट आसाम में उसके चांसलर होंगे हमारे गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब ठीक है और वाइस चांसलर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर तो ये दोनों बातों आपको समझनी है चांसलर इज इन स्टेट यूनिवर्सिटी चांसलर इज़ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वाइस चांसलर इज अपॉइंटेड बाई द गवर्नर अब करेंट डिबेट समझ लेते हैं अभी वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नर अपॉइंट करते हैं लेकिन एक कन्वेंसन है ऐसा फॉलो किया जा रहा है नॉर्म कि गवर्नर वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट कर ले जैसे प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब चांसलर हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लेकिन किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को अपॉइंट करने से पहले उनको हमारी सरकार जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा साहब एंड हिज कैबिनेट उनको कंसल्ट करके ही वाइस चांसलर को अपॉइंट करना चाहिए लेकिन हाल फिलहाल में कई सारे इस तरह के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट्स ये एलिगेशंस लगा रहे हैं गवर्नर के ऊपर कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ओपिनियन को डिसरिगार्ड करते हुए वाइस चांसलर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और ये एक तरीके का उनके फेडरलिज्म, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम पे या स्टेट के पावर के ऊपर या स्टेट के जुरिडिक्शन के ऊपर एक लिमिटेशन की तरह देखा जा रहा है क्योंकि गवर्नर आपको पता है अपॉइंट करते हैं द यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट तो गवर्नर एट टाइम्स एक्ट इन फेवर ऑफ़ द यूनियन गवर्नमेंट और बहुत बार गवर्नर इस तरह से काम करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स उसको अपने पावर फंक्शन जो के ब्रीच के तौर पे देखते हैं सो so, इस पर्टर केस में भी यही हो रहा है गवर्नर्स अपॉइंट कर रहे हैं वाइस चांसलर्स को और बहुत सारे स्टेट्स का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से गवर्नर्स अपॉइंट कर रहे हैं वाइस चांसलर्स को इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स इट इज़ अ काइंड ऑफ लिमिटेशन और ब्रीच ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स और इसीलिए कई सारे स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट लॉ को चेंज कर दिया है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स फॉर एग्जांपल 2019 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टुक अवे गवर्नर्स अथॉरिटी इन अपॉइंटिंग वाइस चांसलर्स इन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन महाराष्ट्र असम्बली पास असिमिलर बिल टू अमेंड महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट टू टू टेक अवे द पावर ऑफ गवर्नर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स और रिसेंटली जिस कारण से हम आर्टिकल कर रहे हैं कवर कर रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ़ तमिलनाडु असेंबली विच हज़ पासू बिल्स दैट सीक्स टू ट्रांसफर गवर्नर्स पावर इन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वाइस चांसलर्स चांसलर्स या बाकी सारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं उसको लेकर के अलग अलग क्या प्रोविजन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है या सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो एक एक करके देखते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एजुकेशन कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट इसका मतलब है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास अधिकार हैं एजुकेशन को लेकर के कानून बनाने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का लेकिन अगर आप एंट्री 66 देखें एंट्री नंबर 66 ऑफ यूनियन लिस्ट वो कहता है कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सरल शब्दों में कहें तो यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 66 में हाइयर एजुकेशन को रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास है क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है तो सीधी सी बात है कि ओवरऑल तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है लेकिन हाइयर एजुकेशन में यूनियन गवर्नमेंट को एक ओवर पावर है एक्स्ट्रॉडनरी पावर है सबस्टेंशियल अथॉरिटी है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट को एज फार एज हायर एजुकेशन इज कंसर्न और इसी पावर का इस्तेमाल करके एंट्री नंबर 66 ऑफ यूनियन लिस्ट का इस्तेमाल करके ही भारत सरकार ने बनाया है यू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंडर यू एक्ट ऑफ नाइनटीन और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है टू कॉर्डिनेट एंड मेनटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन यही ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को फंड भी एलोकेट करता है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन यू जी सी कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब यू जी सी का क्या कहना तो एक बात तो तय हो गई कि वैसे तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है लेकिन हायर एजुकेशन में यूनियन गवर्नमेंट को ओवर राइडिंग पावर्स हैं और हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया है यू अब जरा देखते हैं कि यू का क्या कहना है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तो आज पर यू जी सी रेगुलेशन ऑफ टू थाउजेंड एटीन द चांसलर हु इज़ मोस्टली गवर्नर इन द स्टेट्स तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर्स तो उस स्टेट के गवर्नर ही होते हैं वही अपॉइंट करेंगे वाइस चांसलर्स को इन देयर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तो मुद्दा ये है कि यूजीसी के 2018 के रेगुलेशन के हिसाब से चांसलर यानी कि जो गवर्नर हैं किसी स्टेट के हमारे स्टेट आसाम के गवर्नर वो स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर उनके पास पावर होगा वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने का यानी कि अगर यू जी के इस रेगोलेशन की माने तो फिर ये जो तीनों कानून हैं ये यू के इस रेगुलेशन के खिलाफ जाते हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये मामला कोर्ट में पहुंच जाए कि सर यू जी सी केस रेगुलेशन के खिलाफ ये तीनों कानून हैं इसलिए इन तीनों कानूनों को स्ट्राइक डाउन किया जाए ये स्टेट्स ये तीन कानून लेकर के आए हैं ऑन द ग्राउंड दैट एजुकेशन इज मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट लेकिन हो सकता है अभी वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ने कानून पास किया भारत सरकार चुप थी हो सकता है इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन रहा है उन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स वो भी देखते हैं तो एक काफ़ी पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट यू जी के रेगुलेशन के हिसाब से ही होना चाहिए वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट यू के रेगुलेशन के हिसाब होना से होना चाहिए और अगर वो यू के रेगुलेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है उस केस में क्यू वारंटो विच इज एयर काइंड ऑफ रिट पिटीसन अंडर आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर फंडामेंटल राइट्स राइट तो क्यू वारंटो का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट यू जी सी के रेगुलेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो तो मुद्दा यह है कि दो कानून दो स्टेट्स तो कानून बना करके बच गए तमिलनाडु ने भी अब कानून बनाया है अब देखना होगा कि क्या भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाती है और उस केस में भारत सरकार तो यही कहेगी कि वाइस चांसलर्स का जो अपॉइंटमेंट किया गया है दैट इज़ अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ यू और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट में कहा है कि यू के गाइडलाइन के हिसाब से ही वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए अब ये जो पूरा का पूरा डिबेट है इसका आंसर राइटिंग में कहाँ इस्तेमाल करेंगे देखिए एक काफ़ी कॉमन सा सवाल आता ही रहता है यू में भी आ रखा है दो तीन बार ए में भी आया है वो ये है कि रोल ऑफ गवर्नर इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस इंडियन पॉलिटी का ये सवाल आता ही रहता है कि हैज़ द गवर्नर बीन एक्टिंग मोर एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर रादर देन बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी इज इन्वॉल्विंग पोस्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया तो गवर्नर को एक लिंकिंग पिन की तरह इस पोस्ट को बनाया गया था जो सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को मैंटेन करने में काम करेंगे लेकिन एट अ टाइम्स गवर्नर्स हैटिंग लाइक एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप ए नाई ऑन द स्टेट गवर्नमेंट कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि सेंट्रल लेवल पे जिस पार्टी की सरकार है और अगर स्टेट लेवल पे किसी दूसरी पार्टी की अगर सरकार है तो चूंकि गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट रोल प्ले करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को अपना काम ठीक से करने नहीं देते हैं कई दफ़ा आपने देखा कि दिल्ली की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव जंग साहब के बीच में कई दफ़ा डिस्प्यूट्स हुए राइट तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया है स्टार्टिंग में इस तरह से कुछ लिखना कि गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट का इनकी मेन एक्सपेक्टेशन होती है उस रोल से इस जॉब से टू मैनेज सेंटर स्टेट रिलेशंस लेकिन एट टाइम्स गवर्नर हैज़ बीन एक्टिंग मोर एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर फिर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 उसका मैं एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कैसे है? महाराष्ट्र लजस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन 2019 में जब हुआ उसके बाद जब उन्होंने देखा गवर्नर ने कि बीजेपी की सरकार तो मेजोरिटी नहीं बना पाएगी तो वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था जबकि उनको दूसरी पार्टियों को मौका देना चाहिए था ये करेंट एग्जाम्पल भी लिख सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स का हाल फिलहाल में आप देखा कि राजस्थान के अंदर द गवर्नर ऑफ राजस्थान वॉज विद वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लोगों को इंड्यूस कर रहे थे कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है कभी भी एग्जाम में बीजेपी या कांग्रेस नाम लिखने से को अवॉइड करना रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी का इस्तेमाल करना इन टर्म्स का तो रूलिंग पार्टी के फेवर में वोट दिलवाने के चक्कर में वो थे इस कारण से ही व चार्ज विद द एलिगेश ऑफ वायोलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो ये सारी बातें लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में लिखना कि सरकारिया कमीशन ने एक रिकमेंड किया था आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स का इस्तेमाल रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेज में किया जाए पूंछी कमीशन ऑन सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन हेड रिकमेंडेड अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव एंड थ्री फिफ्टी सिक्स सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स कूड बी सस्टेंड एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल ये सारी बातें लेकर के आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रेसेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो कल ही मैंने आपको बताया था कि रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट हैं यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सूला वॉन देर लेइन तो ये हैं उर्सूला वॉन देर लेइन एंड नाउ सी हैज़ बिन मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उसके बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक नया अग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल तो इस ये जो काउंसिल बनाई जाएगी एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इसका मेन पर्पस ये होगा कि चाहे कोई भी हालात हों दुनिया में जियो पॉलिटिक्स बदलती रहे बट जो टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में वो कंटिन्यू रहे क्योंकि देखो जियो बदलता है और टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन या ट्रेड जो है वो खतरे में आ जाता है अभी आप देखिए इंडिया कितना ज़्यादा डिपेंड करता है यूएस पे और रसिया पे फॉर सो मैनी टेक्नोलॉजिकल मैटर्स अब जिस तरीके से जियो बदल रहा है आफ्टर दिस रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दोनों ही साइड इंडिया को वॉच कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट ये साइड हमें दे रहे हैं उसमें वो मेजर चेंजेज ला दें जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है तो इस कारण से हमें ज़रूरत है एक ऐसे ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर की जो इरेस्पेक्टिव ऑफ जियो पोलिटिकल रिलेशन को कंटिन्यू करे और उसी कॉन्टेक्स्ट में इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बना रहा है तो द एम ऑफ दिस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इज टू सिक्योरिटी एंड ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी कीपिंग इन लाइन विद द रैपिड जियो पोलिटिकल चेंजेस तो चाहे कितने भी जियो पोलिटिकल चेंजेस हो रहे हों या मौजूदा जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बावजूद भी ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर की तरह डेवलप किया जाए इंडिया और यूरोपियन यूनियन को एक दूसरे के लिए यूरोपियन यूनियन ने इस तरह का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल अग्रीमेंट ऑलरेडी यूएस के साथ साइन किया हुआ है अब इंडिया दूसरा ऐसा पार्टनर या कंट्री बन चुका है जिसने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का अग्रीमेंट साइन किया है अभी मेंस में यूरोपियन यूनियन पे कोई भी सवाल आ जाए देखिए सीधा सीधा आपसे नहीं पूछेगा इंडियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल क्या है बताओ मेन्स में इस तरह के सवाल नहीं आते हैं मोटे मोटे सवाल आते हैं तो इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस बीन चेंजिंग और इट्स वेरी सिग्निफिकेंट पोस्ट ब्रेक्सेट या फिर इन आफ्टर इंडिया यूरोप यूक्रेन एंड रसिया क्राइसिस इंडिया यूरोपियन यूनियन रेशन हैज़ बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट इस तरह के सवाल अगर आएँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस बात का मैंसन कर देना कि रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव साइंड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्पेशली इन कीपिंग ऑन आइज कीपिंग आइज ऑन द रैपिड जियो पोलिटिकल चेंजेस इस टॉपिक के बेसिस फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएस पेपर थ्री इंडियन इकॉमी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए आई एम एफ एक इंटरनेशनल एजेंसी है इसको इट इज वन ऑफ द ब्रेटन वुड ट्विन्स ऑल्सो आई होप यू मस्ट बी नोइंग आई एम एफ एक रिपोर्ट पब्लिश करती है उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और हाल फिलहाल में आई ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किया है और इस नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड और इंडिया दोनों का ही ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द कमिंग ईयर 2022 ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी उन्होंने घटा दिया है बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन क्राइसिस ऑफ कोर्स आईएमएफ के प्रोजेक्शन के हिसाब से आप देखो जो आईएमएफ ने जनवरी 2022 में प्रोजेक्शन किया था उस हिसाब से वर्ल्ड Economy was to grow at a rate of 3.6% in the year 2022 and 3.6%. Uh, look again, see according to the current projections, the economy is to grow at a rate of 3.6% in the year 2022 and 3.6% again in the year 2023, which is 0.8 परसेंट लोअर फॉर ईयर 2022 एंड 0.2 परसेंट लोअर फॉर ईयर 2023 मुद्दा यह है कि 2022 में जो पिछला प्रोजेक्शन किया था आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में उसमें उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 4.4 परसेंट इन द ईयर 2022 उसको 0.8 परसेंट घटा करके उन्होंने कहा थ्री पॉइंट परसेंट से ग्रो करेगा दो के लिए उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी विल ग्रो एट ए रेट ऑफ 3.8 परसेंट उसको 0.2 परसेंट घटा करके उन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ 3.6 परसेंट के रेट से ग्रो करेगा अब अगर वर्ल्ड इकोनॉमी स्लोडाउन के पाथ पे पर जा रही है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी इस हिसाब से रिकवर नहीं करेगी जैसा पहले सोचा गया था तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा क्योंकि इफ़ वर्ल्ड इज नॉट ग्रो देट मीन्स इंडियन एक्सपोर्ट्स विल हैव ए इम्पैक्ट और जब इंडियन एक्सपोर्ट्स को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो इंडिया के ग्रोथ पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और यही कारण है कि इंडिया के ग्रोथ रेट को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में घटा दिया गया है पहले प्रोजेक्ट किया गया था कि इंडिया विल ग्रो एट ए रेट ऑफ 9 परसेंट इन द ईयर 2022 अब उसको घटा करके कर दिया गया है 8.2 परसेंट पहले प्रोजेक्ट किया गया था कि इंडिया विल ग्रो एट ए रेट ऑफ 7.1 परसेंट इन द ईयर 2023 अब उसको घटा करके सिक्स कर दिया गया है इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड अर्थ डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जीएस पेपर थ्री इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए हर साल बाईस अप्रैल को यहाँ पे अर्थ डे ट्वेंटी, ट्वेंटी होना चाहिए आई विल चेंज इट हर साल बाईस अप्रैल को जो बीता हुआ बाईस अप्रैल है उसको हम लोग अर्थ डे की तरह मनाते हैं पूरे दुनिया भर में और इसका पर्पस होता है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट एंड इंस्पायर पीपल टू सेव द अर्थ तो जो 2022 का अर्थ डे है उसका थीम है इन्वेस्ट इन आर प्लानट ये सब थीम्स याद रखने चाहिए कभी कभार रिपोर्ट से या इंटरनेशनल डेज से रिलेटेड वो थीम वगैरह पूछ लेते हैं तो वर्ल्ड अर्थ डे हर साल हम 22 अप्रैल को मनाते हैं 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आर प्लानट 2022 में जो वर्ल्ड अर्थ डे है इट इज़ फ़िफ्टी सेकेंड एनीवर्सरी ऑफ एनुअल सेलिब्रेशन तो 1970 से हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे मना रहे हैं इस बार का जो वर्ल्ड अर्थ डे है दैट इज़ फिफ्टी सेकेंड एनिवर्सरी वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को क्यों मनाते हैं सो द वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल इन ऑर्डर टू रिमेंबर अर वेरी नोन अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिशियन गे लॉर्ड नेल्सन तो गे लॉर्ड नैसल साहब को याद करते हुए हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे को 22 अप्रैल को मनाते हैं इनफैक्ट याद रखना देखो पी में तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट सिलेबस में लिखा हुआ है दैट तो आई नो सिंस आई टीच पी एस आई नो बाकी सारे ऑप्शनल में भी जोग्राफी में भी ऐसा कुछ होगा जरूर तो याद रखना कि अगर कभी किसी वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट का नाम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यूएस सेनेटर सीनेटर गे लॉर्ड नेल्सन ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट और गे लॉर्ड साहब को याद करते हुए गे लॉर्ड नेल्सन साहब को याद करते हुए हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे बाईस अप्रैल को मनाते हैं बाईस अप्रैल को ये दिन ही पेरिस क्लाइमेट डील वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर सीन सिटीजन अर्थ डे सो इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन ऑन 22nd अप्रैल इट वाज ओपन फॉर साइनिंग अर्थ डे 2022 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थ डे मनाता है पूरे दुनिया भर में तो ऑर्गेनाइजेशन और, का नाम है अर्थ डे नेटवर्क अर्थ डे नेटवर्क इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव है टू एजुकेट एंड एक्टिवेट द इन्वायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड इसका हैड ऑफिस है वॉशिंगटन डी में मैंने कहा 1970 से वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है लेकिन 2009 में यूनाइटेड नेशन ने इसको वर्ल्ड अर्थ डे की तरह डेजिग्नेट किया तो अब यूनाइटेड नेशन 2009 से डेजिग्नेट करता है 22 अप्रैल को एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मर सिलेबस जीएस पेपर फाइव असाम इशू पॉइंट ऑफ व्यू तो असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और असम ये सारे स्टेट्स कैसे बने हैं किन किन कानून से उनकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं तो बात की जाए अगर मणिपुर की और त्रिपुरा की तो देर अर्लियर अ प्रिंसली स्टेट्स दे जॉइंट इंडिया इन 1949 फोर्टी नाइन एज अ यूनियन टेरिटरी एंड इन नाइनटीन सेवनटी टू दे वेर गिवेन फुल स्टेटस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ईस्टरी ऑर्गनाइन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी वन तो ये कानून बनाया था नाइनटीन सेवनटी वन में नॉर्थ ईस्टरी ऑर्गनाइसन एक्ट जिसके मदद से कई सारे स्टेट्स को स्टेटहुड मिला है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ध्यान से देखना और भी स्टेट्स आएँगे अगर मेघालिया की बात की जाए तो इट वॉज पार्ट ऑफ असाम इसको भी स्टेट हुड मिला अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नॉर्थ ईस्ट ऑर्गनाइसन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी वन अरुणाचल की बात की जाए और मिजोरम की बात की जाए तो देवेर ऑल्सो पार्ट ऑफ असाम टिल नाइनटीन सेवनटी टू लेकिन इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 1972 में इनको स्टेटहुड नाइनटीन में नहीं मिला है इनको स्टेटहुड मिला है नाइनटीन में अब बच गया नागालैंड इट वॉज पार्ट ऑफ असाम इट गॉट स्टेटहुड ऑन फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी और एक है सिक्किम सिक्किम वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट टिल 1975 सेवेंटी थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट से सिक्किम को इंडिया का हिस्सा बनाया गया बट एज एन एसोसिएट स्टेट मतलब जिसके थोड़े एक्स्ट्रॉडनरी पावर थे जैसा कैसे जम्मू कश्मीर के पास 2019 तक थोड़े स्पेशल पावर थे वैसे ही थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट करके सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट की तरह मिलाया गया इंडिया के साथ लेकिन सिक्किम के लोगों ने प्रोटेस्ट किया दे वॉन्टेड टू तो बी एनी लाइक एनी अदर नॉर्मल स्टेट और इसी कारण से फिर थर्टी सिक्सथ अमेंडमेंट करके सिक्किम को एक नॉर्मल या फुल स्टेटहुड दे दिया गया इंडिया का अब ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि चूंकि ज़्यादातर स्टेट्स आसाम से ही कार्वाउट होकर के बने हैं अर्लियर देवर पार्ट ऑफ आसाम ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड दैट इज़ वाई आसाम इज़ हैविंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद स्टेट्स लाइक मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड मेघालय को लेकर के कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए गए हाल फिलहाल में वो तो मैं करा ही चुका हूँ ट्वेल्व रीजन्स में से सिक्स रीजन्स में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ऑलरेडी रिजॉल्व किया जा चुका है बाकी के सिक्स रीजन्स में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने पर आगे काम चल रहा है ये जो करंट आर्टिकल है दिस इज़ रिगार्डिंग आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट तो अगर आसाम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर देखें तो इट इज़ 804 किलोमीटर लॉन्ग इट इज सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर मेघालय अगर देखा जाए तो आसाम का सबसे लंबा बॉर्डर है मेघालय के साथ जो है एट एटी फोर किलोमीटर लॉन्ग एट एटी फोर और दूसरे नंबर पर आसाम अरुणाचल का बॉर्डर विच इज़ एट हंड्रेड फोर किलोमीटर लॉन्ग अब अगर ये आसाम और अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट अगर देखा जाए तो ये डिस्प्यूट जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ़ एन इवेंट दैट हैपेंड इन 1951. 1951 में हुआ क्या कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का फुटहिल वाला एरिया है उनका बल्लीपारा और सदिया फुटहिल्स वाला जो एरिया है बल्लीपारा और सदिया फुटहिल्स वहाँ से लगभग 3600 स्क्वायर किलोमीटर लैंड दरांग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया टू असाम तो सदिया और बलीपारा एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश से दरांग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम को 3600 स्क्वायर किलोमीटर लैंड ट्रांसफ़र कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश का कहना है कि ये जो लैंड ट्रांसफ़र किया गया था 1951 में दैट वाज डन विदाउट कंसल्टिंग द लोकल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हु हैव कस्टमरी राइट्स ओवर दीज लैंड ये जो लोकल ट्राइब्स हैं उनका अधिकार है था इस लैंड के ऊपर और उनको बिना कंसल्ट किए ये लैंड ट्रांसफ़र किया गया दैट इज़ दिस लैंड ट्रांसफ़र कैन नॉट बी कंसिडर्ड लीगल और इसी को लेकर के डिस्प्यूट है फिर आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में करेंट न्यूज़ ये है कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने हम देख सकते हैं यहाँ पे आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने मिल कर के अब एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें जो 12 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं 12 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट है इधर आसाम साइड और अरुणाचल प्रदेश साइड उन बॉ बारह डिस्ट्रिक्ट्स में 12 डिस्ट्रिक्ट वाइज कमिटीज बनाए हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इस प्रॉब्लम को बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके इस टॉपिक के बेसिस पे प्रम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना पे ब्यूरो ऑफ फार्मा ऑफ पी ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफकोर्स राइट बट आयुर्वेदिक मेडिसिन आर अवेलेबल ऑन दिस जन औषधि स्टोर दिस इज रॉन्ग ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल बाकी सारे भी हैं फोकस रहता है जेनरिक ड्रग्स को अवेलेबल कराने में सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A one only rice in a dialogue. The conference is hosted by ORF, that is correct. But the theme of 2022 was not this, right? So, the correct answer will be option A one only. PM Kisan scheme 100% funding from the central government, absolutely correct. It covers all farmers' families, this is wrong. And under the scheme, income support of 6000 with uh, equal installment of rupees 2000 each, this is correct. So, the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.